आने के लिए परमिशन मिलने के लिए हमको नहीं मिला। लास्ट 2 साल के पहले हमको 2 जन को अंदर जाने के लिए परमिशन मिला। फिर अंदर उस समय तिहार को 30,000 प्रिजनर्स थे तिहार की जेल के अंदर। एंड नए जेल में डिवाइड किया है, इसमें एक जेल पूरा औरतों के लिए है, बाकी जेल जेंट्स के लिए। इसमें एक ही जेल हाई रिस्क ग्रुप को होते हैं। ये जेल का नाम है जेल नंबर 4। इसमें सारे एकदम बुरा तरीका से करप्शन और सारे इनजस्टिस ज्यादा इसी जेल में होते हैं, क्योंकि ना सारे बड़ा बड़ा आदमी है और हाई पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन वाला भी इसके अंदर आते हैं, इसलिए बहुत बुरा हाल है इसके अंदर। और पहले हमको जेल नंबर 7 में परमिशन मिला। जेल नंबर 7 है तो अडोल्सेंट जेल है, इसमें 18 साल से और 21 साल के बीच में बच्चे रहते हैं। और उधर हम जाने शुरू किया तो हफ्ते में शुरुआत में हम रोज जाते रहा। सुबह 10 बजे हम अंदर घुसते और लोग हर एक सेल में जाते हैं, उन लोग को बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के नाते हमको सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका और कितना बुरी तरीका से पुलिस उसको मारपीट करते हैं। और हमारे सामने भी ऐसे ऐसे कुछ घटना हुआ और इसके बीच में हमको लगा रिलेटिव कितना परेशान है। और आदमी लोगों को मिलने के लिए, अपने हस्बैंड जेल के अंदर है, उसको मिलने के लिए मुलाकात में औरत आते हैं, उन लोगों के ऊपर पुलिस कितना अत्याचार करते हैं और परिवार को कितना परेशान करते हैं। और उसका ऐसे ऐसे कहानी हमको सुनने लगा। और इसके नाते हम कम से कम पहले बेल करने के लिए शुरू किया और हम जेल में जाके उन लोगों को केस लेने शुरू किया। हर एक महीने में हम शायद 50-30 बेल ऑर्डर मिलने के लिए हमको सके। हम उसके बाद हम सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है तो गरीब लोगों को, गरीब प्रिजनर्स को मदद करना। किसको वकील को पैसा नहीं दे सकता, इतने गरीब परिवार के लोगों को हम सेवा करते थे। और हम ऐसे केस करने लगा तो हमको बेल मिला। फिर भी ये जेल का अंदर है क्योंकि उसको पास पैसा नहीं है श्योरिटी भरने के लिए। फिर हम उसके बाद पर्सनल बॉन्ड में, पर्सनल बॉन्ड के लिए एप्लीकेशन लगाया और पर्सनल बॉन्ड में उसको निकालने के लिए कोशिश किया। इसमें बहुत मुश्किल था क्योंकि ना उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन एक बड़ा प्रोसेस है। ये एड्रेस वेरिफिकेशन में पुलिस बहुत पैसा मांगते हैं। बिना एड्रेस वेरिफिकेशन से कोई आदमी को जेल के बाहर नहीं आ सकता है, तो इसमें बहुत कष्ट उठाया। और हम बहुत कॉन्फ्रंट किया पुलिस के सामने और हम भी बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि ना, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में ऐसे हुआ, एक घर का इकलौता बेटा था, एक बहुत गरीबी परिवार का लड़का था और उसको बेल मिला था 10,000 का और एक फॉल्सली एप्लीकेशन केस था। 10,000 का बेल मिला, फिर उसमें भी उसको बेल भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। फिर पर्सनल बॉन्ड का एप्लीकेशन लगा दिया, फिर भी 4 महीना हो चुका, फिर भी एड्रेस वेरिफिकेशन पुलिस ने नहीं करवाया। फिर दोबारा उसने बोले इसी एड्रेस में कोई नहीं रहते हैं, मगर हम मैं मुझको समझ में आया एक झुग्गी में एकदम अंदर है इसका घर। मेरे पास एड्रेस था, मैं खुद झुग्गी में जाके ढूंढ के लास्ट उसको घर में पहुंचा। फिर घर में जाके मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस को फोन किया, भैया ये केस चल रहे हैं, इसका एड्रेस वेरिफिकेशन क्या हुआ। तो उसने बोला ये तो इसमें कोई भी इस एड्रेस में नहीं रहते हैं। तो मैं बोला मैं तो उसी घर में है, उधर से मैं फोन कर रहे हैं, अब कल इसका एड्रेस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा कर दीजिए, नहीं तो मैं जज के सामने सारे चीजों बोले। फिर भी उसने कुछ भी कदम नहीं उठाया। नेक्स्ट दिन उसका हियरिंग था और जज के सामने मैं सारी चीजों को बोल दिया, ये मेरा काम नहीं है, ये पुलिस का नेग्लिजेंस है और मेरा काम नहीं है एड्रेस वेरिफिकेशन करना, मगर इसके नेग्लिजेंस के द्वारा हम भी करना पड़ेगा, मगर ये कम से कम आप ये चीजों को लेके उसको एड्रेस वेरिफिकेशन एक्सेप्ट कर दीजिए और उसको पर्सनल बॉन्ड में जोड़ करने के लिए कोशिश करते हैं। पूरा आईसीएस के द्वारा उसको रिलीज हो चुका है। और आईसीएस से बहुत दिक्कत है एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में, फिर भी हम ऐसे 2 साल में काम करते हुए हम बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के नाते
कई चीजों हमारे सामने आंख के सामने हुआ तो हम एकदम अंग बंद करके चलते रहा। अभी हम इसके बीच में थोड़ा काम करने शुरू किया, मतलब हम दो तीन पीएएल हम हाईकोर्ट में डाल दिया है। एक बात है कस्टोडियल डेथ के बारे में, जेल के अंदर बहुत लोग मर चुका है, कोई भी इसका कार्रवाई नहीं करते हैं और किसी को भी पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, पुलिस ने इतना मारपीट कर दिया इसके दौरान उसने मर चुका है। और दूसरा बात है मेडिकल नेगलिजेंस, कोई बीमारी हो इतना सीरियस हो कुछ दवाई नहीं मिलते है, जेल के अंदर डिस्पेंसरी में सिर्फ दो दवाई संभव है, ये है ब्रूफिन और पैरासिटामोल। कोई भी आपका बीमारी तो सिर्फ ये दो टैबलेट मिल जाएगा और उसको ये सारी चीजों को हम आरटी के द्वारा और हमारा विजिटिंग के द्वारा हम आगे बढ़ाया। और कितना विक्टिम से मतलब एक आदमी था उसको एक्सिमा एक डिसीज का एक काइंड ऑफ स्किन डिसीज है, इसका पूरे शरीर के फूल निकलते थे और उसमें कुछ ट्रीटमेंट जेल से नहीं मिला। उसी समय अमीर लोगों के लिए उन लोगों को बाहर का अस्पताल में भेजा है और उसमें एक विकास यादव एक एमपी गाजियाबाद के एमपी का लेकर बिकेस उसको 80 टाइम्स उसको बेड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा, मगर हमारे क्लाइंट मर चुका था 40 साल की उम्र का और फिजिकली हैंडीकैप भी था, एक बार भी उसको जेल को बाहर कोई हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया और उसके दौरान उसके जेल में मर। इतना है अमीर और गरीब के बीच में इतना अंदर जेल के अंदर पौधे तो बहुत बुरा है। और एक ही बात है जेल नंबर 4 के बारे में मैं बोल दिया, उधर हम ऐसे देखा जेल नंबर 4 में सारे बीएपी लोग रखा है और राजा और सारे लोग इसके अंदर रहे, अभिषेक वर्मा सारे रहते हैं, उधर 1,00,000 रुपए एक कमरे के लिए एक साल के लिए 1,00,000, सारे लोग 1,00,000 रुपए जमा करते है सुपरिटेंडेंट के पास, फिर उधर रहते हैं। उधर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पढ़ा है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी सब कुछ है, मगर अमीर गरीब के बीच में इतना अंतर है। और दूसरा बात है उधर मेडिटेशन वार्ड है, किरण बेदी के समय मेडिटेशन वार्ड रखा दिया और उसमें एकदम मेडिटेशन उस समय था आश्रम के रूप में तिहार बदल करने के लिए कोशिश की। अभी क्या चल रहा है सारे बीएपी लोग इसके अंदर घुसे हैं और उन लोगों को सब कुछ मिलते हैं इसके अंदर, सब कुछ माने सब कुछ ए टू सब इसके अंदर मिलते हैं। और उन लोगों को मुलाकात गरीबी लोग के कोई मुलाकात के लिए आइए उसको 4 घंटा 5 घंटा वेट करना पड़ेगा मुलाकात का पूरा फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, मगर अमीर लोगों को सुपरिटेंडेंट के पीछे ऐसे कमरा में 30,000 देने से एकदम रोज मुलाकात होते रहते हैं, कुछ भी दे सकता है उन लोगों को, इसमें ड्रग्स भी दे सकता है और पीने के लिए खाने के लिए सब कुछ दे सकता है। तो ऐसी स्थिति था, फिर ये हम ये देखने से भी मतलब कुछ फायदा नहीं, हम ये सारी चीजों को आरटीए के द्वारा हम निकाल दिया, हम आरटीए डाल दिया। अभी कितना 4-5 साल से कितना लोग जेल नंबर 4 में मतलब कि पर्टिकुलर वार्ड के जेल में 4B उसमें रह उन लोगों को नेम और उन लोगों का एड्रेस हम निकालने के लिए आरटीए डाल दिया। और मेडिटेशन वार्ड में कितना लोग था उन लोगों को नाम और उसको एड्रेस और कितना साल के बीच में कितना लोगों को उसको मुलाकात मिला, कितना बार उन लोगों को जेल के बाहर का अस्पताल में दाखिल किया, ये सारे चीजों को आरटीए के द्वारा हम कलेक्ट किया। फिर उसके द्वारा हम अभी ये सारी चीजों को डाल के पीएएल हाईकोर्ट में डाल रहे हैं। और अभी हमारा सबसे पहला चीज है जेल विजिट करने का है, कानपुर में भी बहुत सेंट्रल जेल पास में है, आने के वक्त देखा तो हमारे कोशिश ये है सबसे पहले कई प्रकार से अंदर जाने के लिए कितना लॉयर्स इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए तो उसका कोशिश पहले करने का है, डीएजी से मिले और कोई पॉलिटिशियंस के मिलके कई प्रकार से, और एनजी ऑलरेडी कुछ एनजीओ को अंदर आने के लिए परमिशन है, उन लोगों के द्वारा अंदर जाने का परमिशन मिल जाए पहले, फिर उसके बाद आप उन लोगों को बेल के लिए शुरुआत कर दीजिए, केसेस लेने शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ जेल के अंदर कितना कितना अत्याचार होते रहते हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए, फिर हम इसके द्वारा जेल का एडमिनिस्ट्रेशन और जेल का सिस्टम को चेंज करने के लिए पीएएल के द्वारा हम आगे बढ़ जाएगा।
तो मेरा रिक्वेस्ट ये है इधर का लॉयर्स और ऐसे निष्काम कर्म हमें ऐसे सीख लिया जेल के काम करने से, इसमें सबसे बड़ी चीज है निष्काम कर्म। हमको कुछ भी इसमें से नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा इतना सेटिस्फेक्शन हमको हमारे दिल में मिल जाएगा, इतना सेटिस्फेक्शन। आप कोई भी केस बाहर का कितना पैसा लेके करने से आपको नहीं मिल जाएगा, ये सिर्फ गारंटी दे सकता। मगर बाकी हमारा दिल का बात है, दूसरों को कष्ट देखने के बाद और उन लोगों को परेशानी दूर करने के लिए अपने तरफ से इतना कोशिश हर एक व्यक्ति का ऊपर है और आपका दिल का भावना का बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और कितना लॉयर्स है इसमें इंटरेस्टेड है, आप जेल के अंदर जाइए और केस कलेक्ट कर दीजिए और परिवार को कांटेक्ट करके उसको बेल करवाना पहले, उसके बाद उसको ट्रायल लेने की कोशिश कर दीजिए। और इसके साथ साथ इधर हमारा राइट है फ्री लीगल एड का सिस्टम, इसके लिए हर एक स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उन लोगों को सहयोग देके बहुत गरीब लोग बिना वकील के कारण से जेल के अंदर पड़ा है, उन लोगों का केस उन लोगों के सहायता से फ्री लीगल एड अथॉरिटी से सहायता से लीजिए, और ऐसे बहुत लोगों को हमको जेल के बाहर निकाल सकता है। इसलिए मेरा एक कदम आगे उठाने के लिए मैं शुक्ला सहर जी को मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा इसके बारे में, अब कानपुर में हमको प्रैक्टिकली एक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। और आई थिंक आमी यहाँ पर बैठे हैं, सासुती ने काफी अच्छा सा प्रेजेंटेशन आरटीआई के बारे में बताया और सिस्टर सुमा ने हमें बताया कि कैसे हम आरटीआई को यूज अपने काम में करते हैं जिससे कि हमारा केसेस और स्ट्रांग हो और हम और अच्छी और बेहतर तरीके से लोगों को न्याय दिला सकें। अभी मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में नहीं है, बट जो आप लोग यहाँ पर बहुत सीनियर हो, आप लोगों को सबको शायद ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुनने में आई हो या कहीं ना कहीं खुद बुक हो गई हो या देखा हो पढ़ा हो। मैं सिर्फ अपना छोटा सा जो एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने काम किया है मैं सिर्फ उतना बताऊंगी और मैं ये उसके बाद अपनी बात बोलकर खत्म करूंगी कि हम यहाँ पर यूपी में आए हैं और कानपुर में, इससे पहले हम इलाहाबाद और लखनऊ में मीटिंग्स कर चुके हैं। अभी हमारा आगे का प्लान क्या है, सिर्फ मीटिंग करना ही हम नहीं एम कर रहे हैं, हमें स्ट्रांगली लीगल नेटवर्क को बढ़ाना है। तो दैट इज आवर एम, हम इसलिए बार बार यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि अवेयरनेस जो लोगों में है वो एक बार सबको पता हो कि मुद्दा क्या है, हम क्यों बार बार मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे बढ़े और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आए। प्रॉब्लम सबको हो गए हैं, प्रॉब्लम सबने सुनी है, प्रॉब्लम सब बता रहे हैं और देख रहे हैं, अब उसका सोल्यूशन क्या है हम ये देखने के लिए यहाँ पर आज मीटिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली जब हम मैं प्रिजनर्स राइट से जुड़ी हूँ, दिल्ली HRLM में कुछ केसेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में करती हूँ, तो जो जहाँ से मैं शुरू करना चाहूंगी वो ये था कि अभी कुछ महीनों पहले हम लोग अभी नेपाल गए थे, वहां पे हमारा वर्कशॉप था और हमें इसलिए वहां पर इन्वाइट किया गया था कि हम वहां पर सीखें कि नेपाल में लोगों ने जहां पर जीरो लीगल नेटवर्क था वहां से कैसे उन्होंने लोगों को धीरे धीरे मोटिवेट करके न्याय दिलाया और आज ऐसा है कि वहां पर बहुत बहुत कम परसेंटेज में लोग लीगल फील की वजह से या लीगल कमी की वजह से जेल में है, बहुत कम ऐसा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और उन्होंने सिर्फ हमें ये सिखाया कि हमें हार नहीं माननी है, अगर हम एक बार बेल कर रहे हैं दो बार बेल कर रहे हैं और अगर हमें वहां पर सफलता नहीं मिल रही है हम आगे बढ़ेंगे, पर ये नहीं होगा कि एक बार बेल करने के बाद अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम चुप कर बैठ जाएंगे और उसके बाद हम उसको न्याय नहीं दिलाएंगे। बेसिकली हम जब तिहार जाते हैं तब भी हम यही चीज देखते हैं कि वहाँ के कुछ जो सिस्टर सुमा ने बहुत अच्छे से हम लोगों को दिखाया कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आती है करप्शन की वजह से, वो आती है गरीबी की वजह से, वो आती है अनअवेयरनेस की वजह से। वहां पे जो जेलों में अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है और हमारा काम वहां पर शुरू होता है।
जहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि अब उनके अधिकार यहाँ से क्या है, वो कैसे बाहर आ सकते हैं, वहां पर हम अपना काम शुरू करके ये बताते हैं कि ये बेल करवाना और बेल लेना आपका हक है, आपको जेल में नहीं रहना है। अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो ठीक है, ट्रायल चलेगा, पर जेल में रहकर ट्रायल सुनना ये हमारा हक नहीं है। सो इन सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोगों को जेल में डाला गया है सिर्फ क्योंकि पुलिस ने अपना कुछ करप्शन दिखाया, पुलिस ने अपना कुछ मोटिव दिखाया, कुछ इल इंटेंशन दिखाया, जिसमें कि जो अमुक प्रिजनर था उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसको जेल में डाला गया क्योंकि पुलिस को अपनी FIR बंद करनी थी। हम वो केसेस देख रहे हैं जहां पर वो झूठे केसेस उन लोगों के ऊपर डाले गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता और वो बिना किसी वजह के जेल के अंदर है। हमें उन्हें बाहर निकालना है, हमें उन लोगों को बाहर निकालना है जो कि जिनको बेल मिल रहे हैं लेकिन कुछ पैसों की वजह से, जो कि जमानत के पैसे नहीं दे पा रहे हैं या जिनके परिवार से कोई नहीं दे पा रहा है, वो फिर भी जेल के अंदर है। हमें उन लोगों को बाहर निकालना है, हमें उन लोगों को बाहर निकालना है जिनको पता नहीं है कि वकील मिलना उनका अधिकार है। अगर वो कोर्ट में जाएंगे और अगर जज से भी बोलेंगे कि हमारे पास वकील नहीं है और हमें वकील दिया जाए, उतना भी उनको जानकारी नहीं है कि उनको ये वकील लेने के अधिकार कोर्ट से ही मिलेगा, हम उनको न्याय दिला रहे हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि बेल मिल रही है, उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और शायद बहुत सारे लॉयर्स भी इस बात में पीछे रह जाते हैं कि उनको पर्सनल बॉन्ड करके बाहर दिलाया जा सकता है या और बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसमें उनको वहां जेल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, फिर भी वो जेल में। सो बेसिकली हम प्रिजनर्स राइट्स को एक लड़ाई मानते हुए जितने भी ये गलत और झूठे आरोपों में लोग अंदर हैं उन सबको हम बाहर निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हमें हर जेल, हर नेटवर्क में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लॉयर्स का टीम बनाना है जिसकी वजह से कोई भी गरीब सिर्फ इस वजह से जेल के अंदर ना रहे क्योंकि उसके पास वकील नहीं है। हम इसलिए यहाँ पर यूपी में एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये सिर्फ प्रिजनर्स राइट्स ही हमारा एम नहीं है, जितने भी बच्चे, जितने भी औरतें, जितने भी दलित, जितने भी मुस्लिम, जिनके पास भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो सिर्फ इस वजह से नहीं कह पा रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है या उनके पास वकील नहीं है या उनके पास कागज नहीं है, इस वजह से सिर्फ किसी परेशानी में फंसते हैं, हमारा पूरा पूरा उनके साथ सहयोग है। और हम सारे जितना भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर उन लोगों को मदद करें और उन लोगों के साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ सारे सीनियर HRLM की पीपल आर प्रेजेंट, दे विल टेल अस कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे हम इस बात को मैं यहाँ पे खत्म करके बोलूंगी कि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग सहयोग दें जैसे कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं। थैंक यू। सुबह के सत्र में मैंने रखने की दलितों के जरिए जेलों में कैसे कैंप लगाए जाए या उन जेल अधीक्षक से व्यक्तिगत संपर्क करके या एक ग्रुप ऑफ लायर्स के साथ संपर्क करके और उनसे ये कहा जाए कि उस तरह के लोग जिनसे जेल के अधीक्षक भी बीच बीच में मांगा करते हैं कि अगर आपको वकील को जिसकी जरूरत है, अगर आपने कोई वकील इंगेज नहीं किया है तो अपना ब्यौरा दीजिए, और वो उसको भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्राधिकारी के पास। ये सारे रास्ते हैं जिसके जरिए हम लोग उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो वकील रखने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम है या जो अपने कानून के अधिकार से अनजाने हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कानपुर के साथी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ, या जो हमारे देवदत्त जी आजमगढ़ से आए हैं या हमारे गाजीपुर के जो साथी हैं, ये लोग भी कुछ इस पर बात कर सकते हैं। स्वयं भाई को ज्यादा इसमें